दोस्तों GLA यूनिवर्सिटी, GLA एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलती है और यूनिवर्सिटी के पास NAC A+ का एक्रेडिटेशन है। NAC A+ मिला है तो एक्रेडिटेड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज चला सकती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आप देखेंगे तो स्टेटस ऑफ 12B बाय UGC लिखा हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको सभी को बताता हूं हमेशा से कि अच्छी शिक्षा लेना आपका अधिकार है। अधिकार मिलता है आपको कि आपको अच्छी शिक्षा दी जाए। सिर्फ शिक्षा मिलना ही नहीं, अच्छी शिक्षा मिलना, जिस तरह से कि सिर्फ जिंदगी जीना ही आपका अधिकार नहीं है, एक अच्छी जिंदगी जीना आपका अधिकार है। अपने देश में दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग तरीके से कोर्सेज करवाते हैं, अलग अलग तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और यूपी में, क्योंकि यूपी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने हालांकि वीडियोज बनाई हैं और बहुत सारी वीडियोज बनाकर आपको बताया है यूनिवर्सिटीज के बारे में, टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं दोस्तों यूपी में। इन 32 में से हालांकि कई सारे अच्छे अच्छे नाम हैं जो सामने आए, हमने वीडियोस बनाई, लगभग सभी पर हम वीडियो अब तक बना चुके हैं। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में हालांकि यूनिवर्सिटी है ये। GLA यूनिवर्सिटी की बहुत बार आपने हमसे इंक्वायरी की कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं। बहुत लोगों का सजेशन था कि यूनिवर्सिटी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज चलवाती है, तो ऑनलाइन कोर्सेज यूनिवर्सिटी कैसे चला सकती है, क्योंकि NIRF की रैंकिंग आप देखते हो तो बिलो 100 में तो इसका नाम ही नहीं आता, तो ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज कैसे चला रही है। और भी कई सारे ऐसे आपके सवाल जो आपने हमसे पूछे हैं, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल क्या है, मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, UGC पर आप इस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, साथ में NAC एक्रेडिटेशन क्या बोलता है, कोर्सेज यूनिवर्सिटी कौन कौन से करवाती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे हैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के सवालों के जवाब देने की। पर डिस्टेंस पर, मतलब कि यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन कोर्सेज चलाती है उस पर भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी, बट फिलहाल अभी आपको ये बता देंगे कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज चलाती है या नहीं। GLA यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों GLA यूनिवर्सिटी, GLA एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलती है और यूनिवर्सिटी के पास NAC A+ का एक्रेडिटेशन है, मतलब यूनिवर्सिटी को NAC A+ मिला हुआ है। NAC क्या है? तो दोस्तों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NAC है क्या चीज। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है जो कि अपने देश में यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिएट करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सी ग्रेड मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन क्या है। उसी रेप्यूटेशन के अनुसार जो NAC ने इसको रैंकिंग दी वो दिया A+, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज को A+ मिला हुआ है वो सभी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज चला सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो NIRF की रैंकिंग में भी हो। NIRF क्या है? क्योंकि NIRF में हमने पहले वीडियो बनाई थी, बताया था आपको कि NIRF कब बना और किस तरह से काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बुरी बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज को NIRF की 100 की बिलो में जो रैंकिंग आती है उसमें डालती है और बताया गया है कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। तो 100 की यहाँ पर लिस्ट भी डली हुई है, NIRFindia.org पर आप देखेंगे, डिटेल आपको मिल जाएगी। दोस्तों GLA यूनिवर्सिटी 2010 में यूनिवर्सिटी बनी थी, अभी 2023 में ये वीडियो शूट हो रहा है, तो मतलब लगभग यूनिवर्सिटी को 13-14 साल लगभग यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं। UGC एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो एक्ट है हमारे पास 1956 का, उसके सेक्शन 12B के तहत ये यूनिवर्सिटी बनाई गई और यूनिवर्सिटी के पास और भी कुछ दूसरे अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास आए। हालांकि डिटेल में एक अप्रूवल पर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में, और भी डिटेल में हम बताएंगे जो नेक्स्ट कभी वीडियो लेकर आएंगे अप्रूवल्स के बारे में। बट यूनिवर्सिटी की अभी अगर हम बात करें, मथुरा में यूनिवर्सिटी चलती है, यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब कौन है? नारायण दास अग्रवाल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, मथुरा में यूनिवर्सिटी है। और रूरल में यूनिवर्सिटी ये बनी हुई है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है GLA.ac.in। तो सबसे पहली बात, क्योंकि यूनिवर्सिटी को NAC A+ मिला है तो एक्रेडिटेड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज चला सकती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आप देखेंगे तो स्टेटस ऑफ 12B बाय UGC लिखा हुआ है और NAC A एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी को मिला है, तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज अपने चला सकती है। कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी को आप UGC पर चेक कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है अपने देश में UGC पर अगर वो लिस्टेड नहीं है तो यूनिवर्सिटी अमान्य है, यूनिवर्सिटी फेक है। वो UGC पर आप जरूर देख लिया करें किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या।
किया है। तो आप कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को? सबसे पहले आप जाएंगे यूजीसी की वेबसाइट पर www.ugc.ac.in या फिर ugc.gov.in पर भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे आप डिटेल सब ये डालेंगे तो यहाँ पर यूजीसी का इंटरफेस खुल जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी यूजीसी की। यूजीसी की वेबसाइट जैसे ही खुलती है तो वेबसाइट पर आप देखेंगे तो यह टैब है जहां पर यूनिवर्सिटीज लिखा है। यूनिवर्सिटीज पर जाएंगे तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नीचे लिखा हुआ आएगा। आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे तो वहां सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए दोस्तों आ जाएंगे। जितने भी नाम लिखे हैं वहां पर स्टेट्स के, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी आपको वहां पर मिल जाएगी। आप उत्तर प्रदेश पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करते हैं तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करते ही टोटल जो 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं अभी यूपी में, उन सभी यूनिवर्सिटीज की पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और कहां कहां चलती हैं। तो उन्हीं में से सातवें नंबर पर आप जैसे ही देखेंगे तो यहां पर लिखा है GLA यूनिवर्सिटी। GLA यूनिवर्सिटी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gla.ac.in। यूनिवर्सिटी बनी है 2010 में, मतलब कि 1 सितंबर 2010 में यूनिवर्सिटी ये बनकर आई है। यूनिवर्सिटी को और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप इसको मोर डिटेल पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही मोर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल डली है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट डली है, कुछ मेल आईडी है, कुछ फोन नंबर्स हैं, आप यूनिवर्सिटी से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में वीसी साहब यूनिवर्सिटी के कौन है, प्रोफेसर फाल्गुनी गुप्ता यूनिवर्सिटी के ये वीसी साहब हैं और साथ ही इनके यहाँ मेल आईडी डली है और फोन नंबर भी मेंशन है। रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे श्री अशोक कुमार सिंह, यहाँ पर उनका फोन नंबर और मेल आईडी मेंशन है। तो ये था यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर अपडेट जो आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे। दोस्तों हम कभी नहीं बोलते कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है या खराब है, किसमें आप एडमिशन लें किसमें आप एडमिशन ना लें, पर मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आप एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में उससे पहले यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करें। बिना विजिट करे यूनिवर्सिटी एडमिशन ना ले, जाकर उनके जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके उनसे मिलें, उन लोगों से उसका रिव्यू लें और साथ में देखें जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके लिए फैकल्टी मेंबर्स यूनिवर्सिटी के पास कैसे हैं, हॉस्टल है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने विवेक से काम लें, ऐसे ही जाकर सीधा एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऐसे एडमिशन लेने के बाद हो सकता है कि बाद में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि यूनिवर्सिटी बोलती है कि यूनिवर्सिटी ओवरऑल लगभग 5 साल से प्लेसमेंट दे रही है और यहाँ पे 86% तक प्लेसमेंट दिया है। साथ में ही जो हम बात कर रहे हैं अलग फैकल्टी मेंबर्स की, फैकल्टी मेंबर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में लगभग 650+ की बात कर रहे हैं, 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक एनरोल हुए हैं। ऐसी बात यूनिवर्सिटी करती है, बड़ी यूनिवर्सिटी को आप विजिट करें, जाकर देखें, तभी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में और बेहतर में पता चलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है। हमने जैसे आपको बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज पर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे, पर अभी यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले रही है आप उसके बारे में जान लीजिए। यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम बीटेक करवाते हैं, बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। बीटेक की बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर मेंशन है किस किस में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारी यूनिक स्ट्रीम्स भी हालांकि यहाँ पे मेंशन है, आप जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखेंगे जो है www.gla.ac.in, आपको डिटेल्स यहाँ पर आकर मिल जाएगी। बीटेक करवाती है यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जो और कोर्सेज चले हैं अब उसके बारे में आप थोड़ा समझिए। ये यूनिवर्सिटी जो अदर कोर्सेज करवाती है उन कोर्स के बारे में आप जानें, जैसे कि बीएससी ऑनर्स में केमिस्ट्री करवाती है, बायोटेक्नोलॉजी करवाती है, फिजिक्स करवाती है यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर करवाती है, बी फार्मेसी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेती है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, बी फार्मेसी कराने के लिए यूनिवर्सिटी के पास पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी करवा सकती है, ऐसे कोर्स नहीं करा सकती। बीसीए करवाती है यूनिवर्सिटी, बीए ऑनर्स मतलब इकोनॉमिक्स करवाती है, साथ में ही यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी ऑनर्स करवाती है। अगर यूनिवर्सिटी कोई भी एलएलबी करवाती है तो वहां पर बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल का होना जरूरी है, हालांकि अप्रूवल्स पर भी अभी हम बात करेंगे आगे आगे अपनी इस वीडियो में। यूनिवर्सिटी बीकॉम जैसे कोर्सेज करवाती है, बीबीए प्रोफेशनल कोर्स करवाती है, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स करवाती है यूनिवर्सिटी, बीबीए करवाती है, मतलब छोटे छोटे कोर्सेज जो है सारे, जो बीसीए है, बीबीए है, बीसीए स्पेशलाइजेशंस हैं, ये सब कोर्सेज के बारे में यूनिवर्सिटी ने हालांकि यह मेंशन किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो पोस्ट ग्रेजुएट में यूनिवर्सिटी एमटेक में एडमिशन लेती है, एमटेक करवाती है, एमसीए करवाती है, एम फार्मेसी कर सकते हो, फार्मास्यूटिक्स में कर सकते हो, फार्माकोलॉजी में कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो यूनिवर्सिटी से, आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ऐसे कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। डॉक्टरल की अगर हम बात करें, मतलब मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती हैं और जब यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिलता है,
तो वो सभी यूनिवर्सिटी सभी तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकती हैं, जैसे कि सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, या फिर यूनिवर्सिटी रिसर्च वर्क मतलब पीएचडी में भी एडमिशन ले सकती है बिना किसी दूसरे अप्रूवल्स के। बट जो भी कोई दूसरे कोर्सेज के लिए काउंसिल बनी है अपने देश में, उन कोर्सेज को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को उस काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को नहीं चला सकती। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एलएलबी करवाना है किसी यूनिवर्सिटी को तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, अगर कराना है फार्मेसी करवाना है तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चाहिए, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी बीएड करवाती है तो एनसीटी का अप्रूवल चाहिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग करवाती है तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल चाहिए। इसी तरह से जो ये काउंसिल कोर्सेज है उनके लिए काउंसिल का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, वरना यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को नहीं करा सकती। कुछ कोर्सेज की लिस्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में मेंशन की है, आप उस लिस्ट से भी काफी कुछ हालांकि समझ पाएंगे, बट मैंने जैसा आपको बताया कि यूनिवर्सिटी को जब तक आप विजिट ना करें तब तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी भी तरह से प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हालांकि दोस्तों यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपने अप्रूवल्स को लेकर मतलब कि कौन कौन से अप्रूवल्स हैं यूनिवर्सिटी के पास उसके बारे में खुलकर बात नहीं की है, पर मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स हैं, जैसे सबसे पहले यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी बनती है 2010 में, पहला अप्रूवल तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी को बनने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी को चलने के लिए पहले यूजीसी पर होना होता है, यूजीसी पर लिस्ट यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग अगर यूनिवर्सिटी की बात करें और अप्रूवल की, तो यूनिवर्सिटी को मिला है नेक A+ एक्रेडिटेशन, यूनिवर्सिटी का नेक का मिला हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज करा सकती है। मैं आपको बता दूं पर कौन कौन से कोर्सेज करा सकती है, क्या फीस है, उसके बारे में अलग से वीडियो लेकर आएंगे, पर आपको एक बात का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है, बाकी अप्रूवल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा आप एडमिशन लेते हैं, कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दे, कभी भी पूरी फीस ना दे, फीस हमेशा यूनिवर्सिटी को ही पे करें, पूरी जो फी आपकी बनती है ये हमेशा से ही हमेशा आपको फॉलो करना है, वरना आपके साथ परेशानी होगी, आपके साथ प्रॉब्लम होगी। हम नहीं कहते किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अपने विवेक से काम लें, और हम जो वीडियो बना रहे हैं हम वो बता रहे हैं कि जो अपडेट है चीजों का, जो स्टेटस रिसर्च का हमारा बोलता है उसके बारे में हम आपसे आज बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी है, नेक एक्रेडिटेशन है, यूनिवर्सिटी के पास नेक का अप्रूवल मिला हुआ है, इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज चला पाती है। NIRF की 100 जो रैंकिंग है उसमें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम अभी फिलहाल के लिए नहीं है, बट ऑनलाइन कोर्स यूनिवर्सिटी करा सकती है। साथ में यूनिवर्सिटी के पास NCT अप्रूवल यूनिवर्सिटी बोलती है, मतलब बीएड करा सकती है, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल यूनिवर्सिटी बोलती है। साथ में यूनिवर्सिटी के पास अगर और दूसरा अप्रूवल देखें, एलएलबी करवाती है तो BCI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल होना चाहिए। और दोस्तों बात आती है AICTE की, दोस्तों AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जरूरत नहीं होती है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती है प्राइवेट उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, कॉलेज को जरूरत होती है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में, किस अप्रूवल के बारे में आप जानना चाहते हैं ऑनलाइन के, जैसे मैंने आपको बताया एक वीडियो जरूर बनाएंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका वेट करना, वीडियो जरूर लेकर आएंगे। NIRF में भी इसको हम कंपेयर करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के पास नेक एक्रेडिटेशन कब आया, ये सब भी हम जिक्र करेंगे। यूनिवर्सिटी के किस अप्रूवल के बारे में जानना चाहते हो, किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। और साथ ही दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।